अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोस। इस वीडियो में हम नोड जेएस को एनवीएम नोड वर्जन मैनेजर उसको यूज़ करते हुए नोड जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और उसको बेसिकली यूज़ करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। नोड जेएस को आप अपने सिस्टम में दो तरीकों के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। एक जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, लेकिन वो मेंटेनेबल या मैनेजेबल नहीं है। वो डायरेक्टली ये है कि आप नोड जे एस लिख कर सर्च करें और फर्स्ट वेबसाइट होगी नोड जे एस डॉट ओ आर जी, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे जो करंट LTS वर्जन है उसको डाउनलोड कर लें, अदरवाइज जो करंट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लें। LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जो कि प्रॉपरली डेवलप हो चुका है और उसके आगे डेवलपमेंट हो रही है। ये 20 जो वर्जन है ये करंट जो करंटली डेवलपमेंट है में है। तो एक तरीका कार ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से इसका इंस्टॉलर डाउनलोड करें और डायरेक्टली सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप फिर नोड का वर्जन ईजीली चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आपने नोड का वर्जन चेंज करना होगा तो आप पहले इसको अनइंस्टॉल करेंगे, दूसरा LTS वर्जन या करंट वर्जन डाउनलोड करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। MVM को यूज़ करते हुए हम इजीली एक से ज़्यादा नोड के वर्जन डाउनलोड भी कर सकते हैं और इजीली उनको आपस में स्विच भी कर सकते हैं। तो हम उस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं MVM इसको लिख के विंडोज़ इसको एंटर करूँगा और फर्स्ट रिजल्ट आएगा NVM विंडोज़। इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लूँगा, यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा रिलीजेस पे। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ से NVM सेटअप डॉट ई एक्स ई फाइल इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ये डाउनलोड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा और एडमिन अलर्ट को यस कर दूंगा। यहाँ पर आई एक्सेप्ट द आर्गुमेंट और नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, एक दफ़ा फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर बेसिकली मेरे सिस्टम में क्योंकि NVM और नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो ये उस चीज़ का अलर्ट दे रहा है कि NVM इस चीज़ को नेक्स्ट कंट्रोल करेंगे। मैं येस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दूंगा। आप क्योंकि फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको ये दोनों अलर्ट नहीं आएंगे। अगर आप में से किसी को ये दोनों अलर्ट आते हैं उसका मतलब ये है कि उसने भी नोड जेएस को पहले जो मैंने फर्स्ट वे बताया था डायरेक्ट उसका इंस्टॉलर उसके थ्रू उसको इंस्टॉल किया था। तो आप दोनों अलर्ट्स पे यस पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा और इसको इस लिस्ट में से डिलीट कर दूंगा, इस टैब को क्लोज कर दूंगा और इसे मिनिमाइज कर दूंगा। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि NVM प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है, मैं विंडो का बटन दबाऊंगा और CMD लिखकर एंटर करूंगा। यहाँ पर मैं NVM लिखकर एंटर करूंगा। अगर आपके पास ये रिजल्ट आता है, यहाँ पर वर्जन चेंज हो सकता है बाकी रिजल्ट आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में NVM इंस्टॉल हो चुका है। अब हम NVM को यूज़ करते हुए सबसे पहले नोड जी एस का कोई एक LTS वर्जन उसको डाउनलोड करेंगे और फिर उसको डिफॉल्ट नोड वर्जन सेट करेंगे। मैं इस सिस्टम में जो करंट LTS वर्जन हमने देखा नोड 18 उसको इंस्टॉल करूंगा और उसको डिफॉल्ट नोड पे सेट कर दूंगा। यहाँ पर एक कमांड मैं मेंशन करूंगा NVM लिस्ट अवेलेबल, एंटर करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि जो करंट LTS वर्जन है वो कौन से हैं, जो करंट डेवलपमेंट वर्जन है वो कौन से हैं, ओल्ड स्टेबल वर्जन वो कौन से हैं और ओल्ड अनस्टेबल वर्जन वो कौन से हैं। मैं मोस्टली जो फॉलो करता हूँ वो ये होता है कि LTS में जो टॉप ऑफ द लाइन होता है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, अनटिल अनलेस के कोई प्रोजेक्ट हो जिसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक वर्जन रिक्वायर्ड है ड्यू टू प्रोजेक्ट कन्फिग्रेशन, के प्रोजेक्ट में कोई चीज़ स्ट्रिक्टली कन्फिगर हुई हुई है मुझे उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर मैं एग्जैक्टली उस वर्जन को नोड के वर्जन को इंस्टॉल कर लूँगा। अभी के लिए हम जो लेटेस्ट LTS वर्जन है उसको डाउनलोड करेंगे।
वो है 18.17.1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NVM install 18.17.1, एंटर करूंगा तो ये लेटेस्ट LTS वर्जन है नोड JS का, उसकी जो फाइल्स वगैरह जो भी इसने डाउनलोड करना है उसको डाउनलोड करेगा और फिर सिस्टम में रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी में उसको इंस्टॉल कर देगा। मैं इसकी डाउनलोडिंग प्रोसेस का वेट करूंगा, जैसे ही ये कमांड कंप्लीट हो जाएगी फिर हम कंटिन्यू करेंगे और इस वर्जन को डिफॉल्ट वर्जन सेट कर देंगे। मैं आपको, जब तक ये हो रहा है, मैं एक न्यू CMD ओपन करूंगा और यहाँ पर नोड JS, क्योंकि जैसे कि आपने इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के दरमियान देखा कि नोड JS मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल था, मैं नोड डैश वी लिखकर, डैश वी मतलब इसका वर्जन एको करो, मुझे वर्जन बताओ, एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो करंट LTS वर्जन मैंने डाउनलोड किया हुआ था, इंस्टॉल था, वो 16.20.0 ये वर्जन मैंने इंस्टॉल किया था। अब हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो है 18.17.1। इंस्टॉलेशन खत्म हो गई है, मैं NVM use 18.17.1 एंटर करूंगा तो यहां पर ये मुझसे एडमिन अलर्ट पूछेगा, मैं उसको यस कर दूंगा और एक और एडमिन अलर्ट आएगा उसको भी यस कर दें और यहां पर जो वर्जन है वो चेंज हो गया। मैं इस टैब को भी क्लोज कर दूंगा विंडो को और इस विंडो को भी क्लोज कर दूंगा। जब भी आपने नोड का वर्जन चेंज करना है तो आपने प्लीज जो टर्मिनल विंडो ओपन होगी उसको क्लोज करके नई टर्मिनल विंडो में चेक करना है, उसी टर्मिनल विंडो में रिजल्ट आपको नजर नहीं आएगा अनटिल अनलेस के आप उस विंडो को रिफ्रेश करें। आसान वे है कि आप उस विंडो को क्लोज करें और नई विंडो ओपन कर लें। मैं फिर एक न्यू विंडो CMD कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा। अब यहाँ पे जब मैं नोड डैश वी करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा वर्जन, जो लेटेस्ट LTS वर्जन हमने अभी डाउनलोड किया, उस पे सेट हो गया। इसी के साथ हमारे सिस्टम में NPM नोड पैकेज मैनेजर वो भी इंस्टॉल हो चुका है, डैश वी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका 9.6.7 ये वर्जन, जो कि इस LTS वर्जन के रिस्पेक्टिव है, वो इंस्टॉल हो गया। आप इसको अब यूज करते हुए मैं अगर यहाँ पे यार्न लिखकर एंटर करूंगा तो ये यार्न एक और पैकेज मैनेजर है जो कि NPM से ज़रा ओल्ड है, मैं इसको काफ़ी रिकमेंड करता हूँ, मैं यूज़ भी करता हूँ। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका है NPM I फॉर इंस्टॉल, यहाँ पूरी कमांड लिख लें, इंस्टॉल डैश जी फॉर ग्लोबल एंड यार्न, मैं इसको एंटर करूँगा तो ये जो यार्न पैकेज मैनेजर है इसको मेरे सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आपने देखा कि जब मैंने पहले यॉर्न लिखा था वो तो अवेलेबल नहीं था, अब मैं यॉर्न लिखकर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है और इसका जो वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो 1.22.19 ये इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप NVM नोड वर्जन मैनेजर को यूज करते हुए नोड JS का वर्जन चेंज कैसे कर सकते हैं। मैं इसको एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन कर लूंगा और NVM लिस्ट एंटर करूंगा तो ये मुझे वो वर्जन्स शो करेगा जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं। NVM लिस्ट अवेलेबल, जब मैं ये एंटर करता हूं तो ये मुझे वो सारे वर्जन्स शो करता है जो कि डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, और जब मैं सिर्फ NVM लिस्ट एंटर करता हूं तो ये मुझे वो वर्जन्स शो करता है जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अब मैंने अगर अगर मैं यहाँ पे करंटली नोड डैश वी लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा वर्जन जो इंस्टॉल है वो, और जो यूज़ हो रहा है वो 18.17.1 है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डिफॉल्ट नोड का वर्जन चेंज हो के इस पे सेट हो जाए 16.20.0 पे, तो जो कमांड है वो है NVM यूज, और जो भी वर्जन आप यूज करना चाहते हैं, चाहे आप इस लिस्ट में से कोई नया इंस्टॉल कर लें और चाहे जो इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको अगर यूज करना चाहते हैं तो उसको जो वर्जन नंबर है कंप्लीट उसको एंटर कर दें 16.20.0। एंटर करूंगा, ये एडमिन अलर्ट मुझसे दो विंडो अलर्ट कमांड प्रॉम्प्ट अलर्ट पूछेगा, मैं उन दोनों को यस कर दूंगा और ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैंने नोड डैश वी किया तो आप देख सकते हैं कि जो नोड का वर्जन है वो अपडेट हो चुका है। तो
मैं वापिस इसको सेट कर दूंगा जो लेटेस्ट LTS वर्जन मैंने डाउनलोड किया था, एंड वी एम यूज 18.17.1, एंटर, यस और यस। बेसिकली ये जो रिकॉर्डर है जो एडमिन अलर्ट्स होते हैं उनको कैच नहीं करता, तो मुझे दो एडमिन अलर्ट शो हुए, आपको भी शो होंगे, आप उन दोनों को यस यस कर दें और ये सेट हो गया। मैं यहाँ पे फिर नोट डैश वी लिखकर एंटर करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नोट का वर्जन है वो अपडेट हो चुका है। ये थी आज की वीडियो, इसमें आपने देखा कि आप NVM नोट वर्जन मैनेजर उसको यूज़ करते हुए नोट JS को अलोंग NPM नोट पैकेज मैनेजर अपने विंडोज सिस्टम में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.